जी दोस्तों, पारस योगा मैट के मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लेकर आए हैं। आप योगा सेंटर चलाते हो या योगा का ए से लेके जेड तक एक्सेसरीज ऑनलाइन बेचते हो, आपको भाई मैन्युफैक्चरिंग से माल लेना है और सस्ते रेट में लेना है, अच्छा खासा बिजनेस करना है, ये भाई ये सदाबहार बिजनेस चलने ही चलने वाला है। यहाँ पर मैं पहले भी आया था, एक बार फिर से आया हूँ। क्वांटिटी में पहले मैं माल दिखा देता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं यहाँ के ओनर से और जानते हैं बिजनेस डिटेल। तो हेलो सर, कैसे हो? जय जिनेंद्र। सर पहले बताइए, एड्रेस बताइए एंड कंपनी का नेम बताइए। मेरा कंपनी का नाम है पारस योगा मैट। हाँ, और ये मेरी कोई पहली वीडियो नहीं है, पहले भी कई वीडियो आ चुकी है स्पोर्ट्स की, जिम इक्विपमेंट्स की और योगा मैट की। ओके, तो योगा मैट की वीडियो आज 2024 की पहली वीडियो बन रही है। ओके, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी सारी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, और ये मेरा पैकिंग एरिया है जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। अच्छा, ये पैकिंग एरिया है जी। तो सर प्रोसेस बताएंगे, फिर चलते हैं योगा मैट के प्राइस पे लेकर। तो पहले प्रोसेस बताता हूँ। हाँ, पहले सबसे पहले जो पतला मैट आता है वो आता है 4 mm। ठीक है, हर एक पे लिखा होता है 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm। ओके, जैसे ये 4 mm का पतला मैट है। ओके, तो इस पे लिखा हुआ है 4 mm। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद ये अनपैक्ड पीस है अभी, तो ये पैक देख लीजिए आप, ये लग रहे 6 mm। अच्छा, ये पूरा रेडी है, तैयार है माल जाने के लिए सर। ये लिखा 6 mm, तो 4 mm से स्टार्ट हो जाता है जी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ थिकनेस। हाँ, आप थोड़ा सा ज़ूम करके दिखाना, बहुत फर्क है सर। ये 4 mm है और ये 6 mm। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 8 mm। ये देखिए जी, ये लिखा 8 mm। ओके, और ये येलो जी दोस्तों, ये ले जी 4 mm, 6 mm, 8 mm, ऐसे लाइन से लगा दे। तीनों ही सर ने रख दिया है, आप थिकनेस देखो, 4, 6, 8। उसके बाद आता है 10। ओके, 10 अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है 2x2 का मैट। ओके, जो टाइल बराबर होता है, 1x1 की टाइल आती है। ले जी, 10 mm भी आ गया। लो जी भाई, ठीक है जी, ये भी अनपैक्ड पीस है अभी। ओके, पैक्ड होगा। तो इसका लेंथ बताइए सर, लेंथ क्या रहता है इसका? इसकी लेंथ और ब्रेस्ट है 2x6। 2x6, 2 फुट बाय 6 फुट। चाहे मैं 4 mm का लो तो भी, चाहे 4, 6, 8, 10, सबका साइज सेम होने वाला है। ठीक है, और एक बड़ी लेंथ का जो आता है वो आता है 3x6.5। ओके जी, वो बेसिकली मिलिट्री या पुलिस अकेडमियों में चलता है। हाँ, क्योंकि वो थोड़े ठाडे और लंबे चौड़े होते हैं। यस, यस, यस। बाकी जो नॉर्मल साइज होता है। हाँ, वो 2x6 का चलता है। बिल्कुल, 2x6 का, 2 फुट बाय 6 फिट। ठीक है, ठीक है जी। 4 mm का प्राइस है जी 150 रुपए। ठीक है, 6 mm 200 रुपए। ठीक है, 8 mm 300 रुपए। ठीक है, और 10 mm 400 रुपए। ठीक है, अब इसी में मैं आपको एक सेकंड की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये फ्रेश की है। अच्छा, फ्रेश की क्वालिटी की पहचान ये है, बताइए सर, कि एक तो हमारा पारस का लेबल लगा है। योग करे निरोग, योग करे निरोग, पारस योगा मैट। अरे वाह, बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है जी, उसके बाद मैं अभी सेकंड का आपको दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है जी, आइए। इस तरीके से पहले ये पैक होता है। ओके, अभी ये कच्चा हो रहा है, इस पे फिर पॉलिथीन, अभी कच्चा माल है, कच्चा माल है बिल्कुल। ऐसे होने के बाद फिर ये ऐसे पॉलिथीन चढ़ेगी। हाँ, फिर मशीन में जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल टाइट पैक हो जाएगा मशीन में जाने के बाद। ठीक है, ये देखिए मैडम, प्रोसेस दिखाइए सर। इस तरीके से पैक होता है। ओके, इसमें सेकंड का माल और फर्स्ट का माल आपने बता रहे थे, कैसे पता चलेगा? सेकंड का माल मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए, आप इधर आइए। लो जी भाई, मैं बता तो रहा हूँ, काफ़ी बड़ा भाई मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जहाँ पर आप देख रहे हो कितनी मैट ऑलरेडी तैयार हो रही है। ये देखिए जी, ये सारा सेकंड का माल है। सेकंड का माल पता जैसे ये देख रहे हो आप, फिनिशिंग कम हो जाए, थोड़ी कम गड्ढे आ रहे हैं हल्के फुल्के साइडों में। ठीक है, ये बीच में आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ऐसे ही बीच में गड्ढे आते हैं, जैसे ये गड्ढे आ रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं गड्ढे? बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा जूम करके दिखाइए गड्ढे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, ये गड्ढे का माल है। ये देखिए, ये गड्ढे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सेकंड का माल है। ओके, तो सेकंड के माल का जो रेट रहने वाला है वो है 120 रुपए 4 mm। ओके, 170 रुपए 6 mm। ओके, 260 रुपए 8 mm। ओके, और 360 रुपए 10 mm। 10 mm जी। ठीक है, तो इसके प्राइस थोड़े लेस हो जाते हैं। और इसी में ही अगर थर्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छा इसमें थर्ड, तो वो और सस्ता हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर सर ये मतलब बन के यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ये बन के रखे जा रहे हैं और सेकंड का माल अभी यहाँ लगा देंगे अलग फैक्ट्री। तो ये मतलब रिक्वायरमेंट के मतलब से होता है कि जैसे कि मुझे सेकंड का माल चाहिए, तो मैंने आपको बोल दिया कि सर ऐसा होता है। किसी किसी के क्या होता है कि खाली
गवर्नमेंट में किसी ने क्वांटिटी पूरी करनी है तो वो सेकंड का ले लेता है, ओके, किसी ने दुकान पे बेचना है या अपने योगा सेंटर में करना है वो फ्रेश का लेता है। तो मतलब आप वो बताता है कस्टमर, आप मिक्स करके तो नहीं देते ना सर? ना ना ना, जो फर्स्ट बोलता है उसको फर्स्ट में मिलता है। सेकंड के माल में हम पारस का लेबल लगा के नहीं देते, ओके, उसमें लेबल दूसरा लगता है। ओके ओके जी, ये ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद योगा की ऐसी है, देखिए बच्चे पैक कर रहे हैं, ठीक है सर, ये पैक किया जा रहा है। एक लेबल, एक आप ये दिखाइए लेबल, ये आपका खुद का है मतलब? हाँ जी, किसी को लेबल अपनी ब्रांडिंग करानी हो तो वो लेबल भेज सकता है हमें। अच्छा, कोरियर से, वो कोरियर दिखाइयो तो मैं आपका ये आप, यानी हम अपने ब्रांड में भी आप इसको बनवा सकते हैं सर? मिनिमम 50 पीस है, 50 पीस बस, बहुत बढ़िया। ब्रांडिंग करानी है तो 500। तो ये दोस्तों ये रहा, बहुत बढ़िया चीज सर ने ये बताया आपको। एक कस्टमर ने ये भेजा है, एक कोरियर अभी खोला भी नहीं है। ओके, तो ये मतलब ऐसा ब्रांड करके, ये देखिए लो जी भाई, ये उन्होंने अपने लेबल ही भेजे, ये उन्होंने अपने लेबल भेजे, अब ये उनके लेबल में पैक होके चला जाएगा। ओके, तो उसका खुद का मतलब कंपनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो ये भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, बिजनेस करने के लिए तो काफ़ी यूनिक है। आप अपने लेबल पे आप लगवा कर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। तो देख सकते हो कितनी ही क्वान्टिटी में होने वाला है, सब में योगा मैट है। और भी एक्सेसरीज है क्या सर? जी जी जी, अब मैं फटाफट दिखा देता हूँ। जैसे ए बी सी डी में कई साइज आते हैं हमारे पे, yes. वो मैं आपको व्हाट्सएप के पीडीएफ में दिखाऊंगा, ठीक है। योगा का मैट का कवर है ये, ये योगा की बेल्ट है, ठीक है जी। अच्छा, योगा को कैरी करने के लिए बेल्ट भी दिया गया है, स्कीपिंग रोप्स है, हाँ ठीक है जी। ये दिखाइए, ये स्टेपर है, ओके जी। ये बॉल है, योगा बॉल, इसमें तो साइज आते होंगे ना सर? जी जी, सारे साइज मिलेंगे, वो पीडीएफ में सब बताऊंगा। योगा ब्रिक है, ठीक है जी, ठीक है। योगा कमर का रोलर है, ओके। स्ट्रेच बैंड है, डंबल है, ओके। योगा व्हील है, यानी योगा का ए से लेके जेड तक एक्सेसरीज होगा। योगा व्हील है, हाँ। ये ट्विस्टर है, ठीक है, सपोर्टर है, हाँ। और ये 2x2 की टाइल है। ये कहाँ पे यूज होती है सर? फर्श पे, फर्श पे जैसे बिछा लेते हैं, प्ले स्कूलों में कई जगह चलती है। अच्छा, ये भी मतलब मिल जाएगी? हाँ जी। अच्छा, इसका साइज एंड प्राइस भी बता दो। जी जी जी, ये हुपला रिंग है, ओके। हमें रिटेलर तंग करते हैं, इसलिए मैं इन चीजों के प्राइस नहीं बता रहा, ठीक है। आप पीडीएफ में मुझसे मांगिए, मैं पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ अब आप ये एक नगर निगाह यहाँ भी डलवा दीजिए, ये भी योगा में चलती है कॉन्स, ओके बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद ये बड़ा मैट है, ये बड़ा मैट वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ, लोग बाग हाइट से पता लग जाता है। ये 1 मीटर बाय 1 मीटर का साइज है, बिल्कुल 20 mm की मोटाई है, थिकनेस काफी मोटी है जी। तो ये जिम में भी मतलब, ये जिम में भी यूज होता है, ताइक्वांडो में यूज होता है, कराटे में यूज होता है, कई चीजों में यूज होता है, ओके। इसका हाइट देखिए, मेरी हाइट 5'8" है, ओके। अब ये देखिए मेरे यहाँ तक आ रहा है, ये 1 मीटर बाय 1 मीटर है, लगभग 3.25x3 फीट, ओके ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पे स्पोर्ट्स की आइटमें भी होती है, तो मेरा वेयर हाउस है एक तरह का छोटा सा, आपने मेरा पहले की वीडियो में देख सकते हैं, मेरे कई वेयर हाउस हैं, बिल्कुल। रैकेट स्पोर्ट्स आइटम भी होती हैं, ठीक है, साइकिल ट्रेडमिल वगैरह भी होती है। पीडीएफ मांगिए, सब दूंगा, यानी एक फिटनेस के लिए जो जो रिक्वायरमेंट रहते हैं सब कुछ आपके पास मिलने वाला है। जी 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 जी, ठीक है। और सर टाइमिंग बता दीजिए, कॉलिंग का कुछ टाइमिंग कुछ रहेगा? जब मर्जी करिए, मगर रात को 10 बजे के बाद कॉलिंग, रात को 10 बजे के बाद व्हाट्सएप डाल के छोड़ दीजिए, ओके। तो उसको पीडीएफ मतलब भेज देंगे आप? जी जी जी, ओके। बट एक रिक्वेस्ट है, हाँ, सिर्फ होलसेलर ही फोन करें, रिटेलर फोन ना करें, रिटेल में हम। अरे सर, क्वांटिटी में जैसे कि बात कर रहे हैं होलसेल पे, तो कितनी क्वांटिटी? मिनिमम 20,000 रुपए का माल, मिक्स आइटम करके भी ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड कोई सा भी माल। खाली मैट चाहिए तो मिनिमम 50 पीस मिक्स करके भी ले सकते हैं, ओके ठीक है सर। आपने अपना कीमती समय दिया मुझे एंड मेरे व्यूवर्स को, बिजनेस करने का तरीका बताया, और भाई ऐसा बिजनेस जो कि सदा बाहर चलने वाला है, हर एक व्यक्ति की नीड होने वाला है ये चीज़ है, ठीक है सर, धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र।